आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लोग भी मिंबर पर चढ़ करके खुतबा देते हैं बगैर टोपी के खुतबा देते, देखा है उनको? नहीं देखा है? पैंट शर्ट पहन करके देखा है उनको खुतबा देते हुए? नहीं देखा होगा। पैंट शर्ट पहनना जायज तो है, टोपी के बगैर रहना जायज है या नहीं है? जायज है। लेकिन ये समाज में एक चलन है, एक रख रखाव है कि आदमी जब खुतबा देने जाता है तो इस तरह से हो रहा है। अब ये आदमी उसका ख्याल नहीं करता है। जो आदमी इसका ख्याल नहीं करता है वो ये भी डर है कि झूठ उठ की सब भी जो है चला लेगा, सब चीज चलता है चलता है, उसका एक जहन बन सकता है और उसमें ये डर होता है, मामूली सा ये डर, इसकी वजह से भी वो क्या करते हैं, इसका भी ख्याल करते हैं, आदमी भरोसा करने के लिए इसका भी ख्याल करते हैं। आप केरला में चले जाइए, बगैर टोपी के पैंट शर्ट पहन करके आराम से खुतबा मिंबर पर देते हैं, कोई मसला, कोई कुछ नहीं कहता है। वहां का अपना एक है, वहां का अपना रख रखाव है, लेकिन दूसरी जगह का अलग है। तो जहां जैसा रख रखाव होता है उस रख रखाव का ख्याल करना पड़ता है, ये एक चीज होती है, ये समझने की बात होती है, इसी को मुरुवत कहते हैं। तो कितनी बातें हैं आदिल होने के लिए? रावी के अंदर ट्रस्टवर्थी होने के लिए आदिल होना जरूरी है, और आदिल में कितनी चीजें होनी चाहिए? पांच चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। वो क्या है? मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, फासिक ना हो, और मुरुवत के खिलाफ कोई चीज ना करता हो, ठीक है, समाज के रख रखाव का भी ख्याल करता हो, उसके खिलाफ ना करता हो। ये पांच चीजें उसके बारे में जिक्र की। उसके बाद है कि जाबित हो। ये सब चीजें सिर्फ इससे बचने के लिए कि कहीं भी अदना सा शुबहा भी ना रहे कि ये रावी झूठ भी बोल सकता है। किस मामले में? झूठ भी बोल सकता है। यहां से हदीस शुरू हो रही है, जैसे सनद यहां से शुरू हो रही है। अब इन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की, नाम जीशान ने हमसे हदीस बयान की, किसने? जीशान। अब हमने इनके अंदर ये पांच चीजें, इनका आदिल होना जरूरी है, तो पांच चीजें हमने देखनी चाहिए। क्यों हम देख रहे हैं ये पांच चीजें? किस चीज से बचने के लिए? क्या वजह है? वो अकल से ही सोचा है, सिर्फ इससे कि अपनी इस बात में कि हमसे जीशान ने बयान किया झूठ ना बोला। अगर जीशान ने बयान ही नहीं किया है उससे और उसने ये कह दिया कि हमसे बयान किया, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बाद में ये पहुंचेगी तो क्या हुआ? ये झूठी पहुंची है ना। इन्होंने इससे बयान किया, फिर उसके बाद इनका जिक्र किया, ये सब अपनी तरफ से इन्होंने बयान कर दिया। सिर्फ इसी से बचने के लिए इतनी कड़ी शर्त है। कितनी कड़ी शर्त है? कि सिर्फ मुसलमान आखिर बालिग होना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज के रख रखाव का भी ख्याल। फासिक तो खैर दूर की बात है, ये नहीं कहा सिर्फ कि झूठ ना बोलता हो। अगर इतना कह दे तो काफी होता ना कि झूठ ना बोलता हो, सच्चा हो, इतना भी नहीं कहा, बल्कि पांच शर्तें उसके अंदर लगाए। जहां झूठ तो नहीं बोलता है, लेकिन झूठ बोलने का थोड़ा सा भी एहतमाल भी न रह जाए। जो अकल से इतना कुछ जो है शर्त लगाए, उसके बाद फिर कहो कि अकल में ये बात नहीं आती तो कैसे? ये सब चीजें अकल से ही तो लगाइए। अदना सा शुबहा भी नहीं रहना चाहिए, अदना सा डाउट भी नहीं आना चाहिए कि ये झूठ कह सकता। अब उसके बाद भरोसे के लिए, ट्रस्ट करने के लिए जरूरी क्या है? जाबित हो। जाबित किसे कहते हैं? क्या मसला होता है? ये जाबित की शर्त क्यों लगाई गई है? ठीक है, हमको यकीन हो गया कि ये झूठ नहीं बोल सकते, बिल्कुल इतना भरोसा है कि झूठ बोल ही नहीं सकते, इतने नेक आदमी है झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन अभी डर तो रहता है कि अगर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको याद ना रह गया हो, उन्होंने कह दिया हमसे जीशान ने बयान किया, हालांकि बयान किसी और ने किया था। जीशान तो ट्रस्टवर्थी है, लेकिन वो ट्रस्टवर्थी हो कोई जरूरी नहीं, ये डर तो है अभी। तो हर पॉसिबल, जिसे जो भी मुमकिन है तहकीक करने के लिए,
वो सारी चीजें अपने सामने रख करके उन्होंने तहकीक किया। अब ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि बयान तो ज़ीशान ने ही किया, लेकिन ज़ीशान ने जो बयान किया था वो पूरे तरीके से वो बयान नहीं कर पाए। दोनों चीजें हो सकती है, हो सकती है। तो कैसा होना चाहिए वो रावी, कैसा होना चाहिए उसके बारे में है कि ज़ाबित। ज़ाबित किसे कहते हैं मुहद्दिसीन के यहां? हमने कहा रावी कैसा होना चाहिए, काबिले एतमाद, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए। इसके लिए वो दो बातें कहते हैं मुहद्दिसीन, रावी आदिल हो और ज़ाबित हो। ज़ाबित दो तरह का होता है, रावी ज़ब्त दो तरह का होता है। हम लिख देते हैं आपको, ज़ाबित जब कहते हैं तो ये दो तरह का होता है, एक कहते हैं ज़ब्ते सदर और दूसरा होता है ज़ब्ते किताब। ज़ब्ते सदर और एक है ज़ब्ते किताब। जब इन्होंने हदीस बयान की ज़ीशान ने उबैदुल्लाह से, तो उबैदुल्लाह ने, अब उसकी दो हालतें हो सकती है, या तो उन्होंने सिर्फ सुना था या उनके पास पेन और पेपर भी था, उसको लिख भी लिया था। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों चीजों को सामने रखा उन्होंने, हर पॉसिबल को अपने सामने रखा है मुहद्दिसीन ने तहकीक करते हुए। अब यहां पर कैसे किया देखिए, ये जब्त या तो सुन करके याद कर लिया होगा या सुनने के बाद लिख लिया होगा, दो में से कोई एक। समझ आया आपको? अगर वो ज़ाबित है रावी, तो ये ज़ाबित रावी जब हदीस सुना था अपने शेख से, तो दो में से कोई एक चीज या तो उसने सीने में ही महफूज रखा होगा, यानी उसकी जबान से निकला, इसके कान के जरिए से कहां पहुंच गया, इसके सीने में पहुंच गया, और दूसरा क्या है कि उसने लिखा होगा। दो में से ये, अगर लिखा है तब भी ज़ाबित कहेंगे, अगर सीने में महफूज किया है तब भी ज़ाबित कहेंगे। लेकिन अब आपके सामने जो भी डाउट आता है सब सामने रखा उन्होंने। अब क्या कहते हैं मुहद्दिसीन, अब अगर सीने में महफूज किया था तो डर ये है कि कहीं भूल ना गया हो, डर है। डर ये है कि सही से सुना ना हो, डर ये है कि सुना तो था सही से लेकिन अब इंसान है, इंसान तो भूल जाता है। अगर लिख लिया था उस वक्त तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लिख दिया तो अब उसमें भूलने का मसला नहीं। लेकिन यहां पर भी तो डाउट आता है, ठीक है उसने लिखा था लेकिन बाद में किसी और ने उसको कुछ मिटा करके वहां कुछ और लिख दिया, पॉसिबल है ये जी? डाउट ही आता है, आ सकता है, आ सकता है। तो ये काफी नहीं है किसी रावी का ट्रस्टवर्थी होना, एतमाद के काबिल होना कि बहुत ऊंचे दर्जे का ज़ाबित है, वो काफी नहीं है, काफी नहीं। या लिख लिया था ये काफी नहीं। आज तो आप समझते हैं कि शायद लिख लिया था तो इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। असल मसला क्या पैदा हो रहा है, लोग क्या तसव्वुर करते हैं, आज जिन लोगों ने भी हदीस के ऊपर एतराज जो लोग भी करते हैं, हम अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि उन्होंने कभी भी इस्तिलाहात हदीस को या मुहद्दिसीन का जो तहकीक का तरीका रहा है उनको सही माने में पता नहीं है, सही माने में पता नहीं है। अगर वो किसी दिन सही माने में पढ़ लेंगे इसको तो कभी ये बात नहीं कहेंगे कि हदीस वो जबानी तौर पर याद किए थे, पता नहीं जो है याद रही नहीं रही, जब लिखी नहीं गई थी तो क्या एतबार करेंगे उसका। सुनते होंगे आप बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं हदीस इतनी बाद में लिखी गई, वो एक अलग मसला है कि हदीस कब से लिखना शुरू किए, लेकिन हदीस या कोई भी बात सिर्फ लिख लेने से वो काबिल एतबार नहीं होती। मुहद्दिसीन तो ये भी जहन में रखे हुए, अगर हदीसें लिखने से ही काबिल एतमाद और काबिल भरोसा होती या कोई भी बात, तो तौरात तो तख्तियों पर लिखी हुई मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी, वो महफूज नहीं रही, और कुरान जबानी तौर पर नाजिल किया, लिख करके नहीं आया। कुरान लिख क्या है नहीं,
जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते और आपके सीने में महफूज हो जाते, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से सहाबा के सीनों में मुंतकिल होता। आप फिर किसी को कहते तो वो लिख लेता, लेकिन ये लिखना ये उसकी हिफाजत के लिए नहीं था, असल हिफाजत कहाँ थी? सीनों में थी। ये एक बात ज़हन में रखिएगा, कभी भी ये चीज नहीं है कि अगर चीज लिखी है तो वो काबिले एतबार है, लिखी नहीं है तो काबिले एतबार नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि लिखी हुई चीजों में कमी बेशी करने का इम्कान ज्यादा होता है उसके मुकाबले में जो कहाँ महफूज है, सीने में। लिखी हुई चीजों में लोगों का हाथ पहुंच सकता है, सीने में जो महफूज है वहां किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। तो कुरान की हिफाजत में तो इसी को रखा गया कि पहले सीने में महफूज किया गया, बाद में लिखा गया है, और यही तरीका हिफाजत का सबसे बेहतर तरीका। आज भी दुनिया में कोई भी, इतने सारे दुश्मन हैं इस्लाम के, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन कुरान में आज तक प्रिंटिंग प्रेस वाला गैर मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी कमी बेशी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सीनों में महफूज है, कहीं भी किया तो पकड़ा जाएगा। अगर सीनों में महफूज ना रहे तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो मशहूर चीज है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया कोई जानबूझ करके नहीं करके पेश कर देगा। तो ये असल में हिफाजत की बात थी। दूसरी बात इस सिलसिले में ये है कि जब हम पढ़ते हैं कोई चीज तो जरूरी ये होता है कि हम उस दौर में जाए, कभी हम उस दौर को पढ़ते हुए उनको अपने जैसा समझने लगते हैं, ये दूसरी गलती होती है। क्या कहते हैं भाई, लिखते तो नहीं थे, उन्होंने बयान किया, उन्होंने सुना, सिर्फ सुन के घर चले गए, अब उस पर क्या एतबार करें? सवाल सुनते हैं, डाउट आता है। यहाँ सवाल ये है कि पहले आप उस दौर में जाइए कि उनका हाफिजा कैसा था और आपका हाफिजा कैसा। जरूरी है नहीं, हम असल में अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर हमारा हाल ये है कि अगर कोई चीज सुने हैं, लिखे नहीं है कुछ भी, तो बाद में कुछ भी याद नहीं रहता। वजह क्या है, क्यों हमको याद नहीं रहता है? वजह यह है कि हमारे पास एक सहारा है कि हम लिखते हैं, और बहुत मशहूर बात है, आपने सुना होगा कि सहारे इंसान को कमजोर कर देते हैं। उस जमाने में उनके पास सहारा नहीं था लिखने का, तो क्या करते थे, पूरे तरीके से अपने दिल और दिमाग में ही महफूज करते थे, क्योंकि लिखने का सहारा नहीं था। कोई भी चीज, ये हदीस के बारे में खास नहीं है, उस जमाने की कोई भी चीज होती थी लोग कहां महफूज करते थे उसको, सीनों में। सिर्फ हदीस की बात नहीं है, लंबे लंबे उस जमाने के अशार जो कसीदे कहते थे शोरा, एक मरतबा सुनते थे सबको याद हो जाता था। अब उनका हाफिजा कितना कवी था, हम अपने जैसा उनको समझते हैं तो अब सोचते हैं कि ये कैसे याद हो गए। वो एक मरतबा सुनते थे उनको याद हो जाता था। मुझे आपके बारे में पता नहीं, अपने बारे में बोल रहा हूँ, जब हमारे पास ये मोबाइल फोन नहीं आया था और कहीं डायल करते थे कोई नंबर, तो एक दो मरतबा डायल करने से हमको याद हो जाता था ये फलां का नंबर है, ये फलां का नंबर है, ठीक है। आज क्या है, जब मोबाइल हाथ में है तो अपना नंबर भी याद नहीं है, होता है कि नहीं? क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अब वो जवाल में है ना, सब मोबाइल में है ना, ये सहारा बन गया, तो आदमी को कोई चीज याद नहीं रहती। पहले आराम से ये मीटिंग है इस तारीख को है, वो आदमी याद रखता था, अब क्या है, नहीं नहीं वो मोबाइल में जो है रिमाइंडर जो है कर लिया, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, वो रिमाइंडर आएगा तब याद करेगा। ये हमारा जो अभी हाफिजा है ना, ये बहुत कमजोर हो गया। कमजोर होने की वजह क्या हुई है, ये सहारे हैं, ये सहारे इंसान को कमजोर करते। उनका हाफिजा बहुत मजबूत था, एक मरतबा सुनते थे पूरी बात याद हो जाती। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों का पूरा नसब याद था, नसब इनके दादा फिर इनके परदादा, ये अपना नहीं सिर्फ बल्कि मक्के वालों का पूरा नसब याद था उनको, सिर्फ नाम ही होते हैं उसमें और कुछ नहीं होता। आज हमारा हाल ये है कि हमारे दादा के नाम तो मालूम है तो बहुत बड़ी बात है, परदादा का नाम नहीं मालूम है, दूसरों का कहां से याद रखेंगे। तो हम अपने ऊपर उनको सोचें समझें, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ी गलती है।
उनका हाफिजा बड़ा मजबूत था, इतना मजबूत हाफिजा था कि एक मर्तबा कोई बात सुने और उनको याद हो जाती थी चीज, और बड़ी अच्छी तरह से याद होती थी। आज हमारी तरह से नहीं है, पहले बहुत सारी बातें हम सुन करके लिख करके चीजें अपने पास रख रहे, जब से मोबाइल आ गया तो अब क्या करते हैं लोग, रिकॉर्डर जो है लगा करके बाद में सुन लगे, और बाद में सुनते रहते हैं, ना कुछ याद होता है ना सुन पाते हैं कुछ नहीं। सहारे हैं, इंसान को कमजोर करते हैं। अगर ये सहारा ना होता तो हम क्या करते, बहुत गौर से सुन करके नहीं हमको सब चीजें जो है याद करनी करते थे, लेकिन हम गौर से नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हमारे पास सहारे हैं। ये पहली बात किसके बारे में जिक्र की हमने, हाँ, ट्रस्टवर्थी होने के लिए आदिल होना है और जाबित होना है। जाबित में क्या है, ये जब्ते सदर है। जब्ते सदर के लिए आप उस जमाने में जाइए कि उनका हाफिजा कितना कवी था, कैसे वो एक मर्तबा बात को सुनते थे तो फिर वो बात उनको ऐसी याद हो जाती थी कि फिर भूलते नहीं थे। उस जमाने में चीज थी, उस जमाने की ये रवायत है। उसके बाद ये बात, जब मुहद्दिसीन कहते हैं कि जाबित हो, जब्ते सदर यानी अगर सीने में याद रखा है, लिखा नहीं है, तो उसके लिए उनके यहां कंडीशन ये है कि ऐसे याद हो, ऐसे याद हो कि जब भी उससे कहा जाए सुनाने के लिए, उससे तलब किया जाए फौरन बयान कर दे, जब भी कहा जाए फौरन बयान कर दे। ये ना कहना पड़े कि नहीं थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जरा एक मतलब देख लेता हूं, सोच लेता हूं, जब भी कहा जाए फौरन उसको बयान कर दे। अगर हमको, मैं पूछूं जो है, आप इतने सारे लोग हैं, अगर मैं कोई चीज कहूं बयान करने के लिए आपसे, तो बगैर टाइम लिए आप फौरन बयान कर दें, क्या चीज हो सकती है? एक मुसलमान अगर आप उससे पूछें तो बगैर टाइम लिए शायद सूरह फातिहा सुना सकता है। क्या सुना सकता है? हर नमाज में पढ़ता है ना, हर नमाज की हर रकात में पढ़ता है। सूरह फातिहा सुनाने के लिए आप टाइम लेंगे? याद है आप अच्छी तरह से? ये सोच लीजिए कि जैसे सूरह फातिहा हमको याद है वैसे ही हदीस उनको याद होनी चाहिए, ये शर्त लगाते। फिर भी अब आप कहो कि नहीं वो इंसान है भूल गए, सही होने के लिए ये कंडीशन है, अल्फाज अरबी में जो इस्तेमाल किए हैं वैसे ही है वो अल्फाज। अगर सीने में महफूज है तो कैसे महफूज होनी चाहिए? जैसे हम सूरह फातिहा याद किए। इमाम अबू ज़ुर्रा रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के। उन्होंने किसी शेख की बात जिक्र की कि वो मुझे 11,000 हदीसें, कितनी 11,000 हदीसें ऐसे ही याद हैं जैसे सूरह इखलास याद, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐसे ही जो है मशहूर रावी है क़तादा बिन दियामा, उनको कहा जाता है अथादा बिन दियामा। उन्होंने अपने शेख को, साइद बिन अरूबा है गालिबन, उनको जो है उन्होंने सूरह बकरा सुनाई, कहीं गलती नहीं किया, सूरह बकरा पूरी सुना दी, तो खुशी क्या, चलो सूरह बकरा जो है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जैसे मैंने सुनाया है सूरह बकरा, कहीं गलती नहीं की है, इसी तरीके से मुझे हदीसों का जिक्र किया कि मुझे हदीसें भी याद है। तो उस जमाने को आप जहन में रखिए कि उनको हदीस एक ही मर्तबा सुना लेकिन कैसे याद होती थी। अगर फिर भी इंसान है, डर होता है, मैं कहता हूं कि जो इंसान है गलती की होगी कहीं पे, ये एक डाउट रहता है। अभी आगे उसकी कंडीशन और आएंगे, इसीलिए इसके साथ भी रखा है अभी, लेकिन ट्रस्टवर्थी होने के लिए जरूरी क्या है कि उसका अगर सीने में याद किया है तो इस दर्जे का हाफिजा हो, यह शर्त रखा। अगर किताब लिख लिया है उसने, रावी कैसा था, वो बजाय सीने में महफूज करने के लिख लिया था उस टाइम में, तो लिख लेने की सूरत में भी तीन डाउट आते हैं। फिर भी पहला डाउट ये आता है कि लिखने के टाइम में ही हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, लिखते हुए गलती करते हैं आप, हो जाती है, ये पहला डाउट। दूसरा डाउट क्या है, नहीं लिखने में तो कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन ले जाकर के कहीं रखा था तो कोई और आदमी उस किताब पर उसकी निगाह पड़ी तो उसमें कुछ कमी कर दिया या कुछ ज्यादती कर दिया, उसने नहीं किया,
खुद से करेगा तो फिर तो वो आदिल नहीं रह जाएगा, लेकिन किसी और ने कर दिया, हो सकता है ये पॉसिबल है जी। ये अपने सामने रखते हैं मुहद्दिसीन। तीसरी बात क्या है, किसी और ने नहीं, उसने भी जो है लिखा था उस टाइम पे और ले जाकर के घर में रखा भी, लेकिन डर क्या है, हो सकता है उसमें कोई चीज मिट गई हो। क्या हो गई हो, मिट गई। उस जमाने में लोग कैसे लिखते थे, वाटर प्रूफ जो है पेन तो होते नहीं थे उस जमाने में, जो लिखते थे वो रोशनाई बना करके लिखते थे, थोड़ा सा कहीं पानी पड़ा तो मिट सकता, पेपर है कोई चीज है वो, आज तरह की ये पेपर तो नहीं थे वो, जिन चीजों पे लिखते थे हो सकता है उसमें वो चीज मिट गई। ये सब जो है पॉसिबिलिटी है उसमें। क्या शर्त है उनके यहां, कब कहेंगे कि जाबित है ये किताब के लिहाज से, अगर सीने में नहीं याद रखा था लिख लिया था तो ये कंडीशन है उनके यहां कि वो, पहली बात ये है कि लिखने के बाद अपने शेख की जो किताब है उसके साथ प्रूफ रीडिंग करे। देखिए सारे चीजों को सामने रख करके वो कंडीशन रखे हैं उसके लिए सही होने के लिए। क्या करना पड़ेगा उसको, पहली बात लिखने के बाद उससे रिवायत करना नहीं, कर रहा है तो कबूल नहीं करेंगे, सही नहीं कहेंगे फिर उसको। पहले क्या करना है, इसको ले जा करके शेख की किताब या शेख की किताब से जो प्रूफ रीडिंग करके किसी ने जो सही किया हो उसके साथ जो है उसको पहले प्रूफ रीडिंग करनी है, जिससे ये पता लगे कहीं लिखने में गलती तो नहीं हो गई। अब कहीं गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही है, तो अब दूसरी और तीसरी चीज को खत्म करने के लिए उस किताब की हिफाजत जरूरी है। जब तक उस किताब से हदीस बयान ना किया हो उस वक्त तक के लिए उसकी हिफाजत जरूरी है, ये जो है जरूरी है। ये पूरे तरीके से उसे इत्मीनान होना चाहिए कि जब मैं बयान कर रहा हूं तो इस किताब तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा, कोई ऐसा आदमी जो इसमें कमी बेशी कर सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, जैसे मैंने लिखा था बिल्कुल वैसे ही है, ये थोड़ा भी कहीं भी कमी बेशी नहीं, ये यकीन होना जरूरी है। अब उसके बाद अगर उससे बयान करेगा तो उसको जाबित कहा जाए। आई बात समझ में? हाँ, रावी का काबिले एतमाद होना, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। पहले तो रावी खुद ऐसा हो जिसके बारे में झूठ का अदना सा भी कोई शुबहा या कोई डाउट ना आता। दूसरा ये है कि हदीस को इस तरीके से याद रखा हो कि चाहे सीने में रखा हो या किताब में लिख करके रखा हो, दोनों सूरतों में थोड़ा भी उसके बारे में कहीं भी डाउट ना आता हो कि उसमें कुछ कमी बेशी की गई, बिल्कुल जैसे था वैसे ही होना चाहिए। तब क्या कहेंगे, वो रावी काबिले एतमाद है, वरना वो रावी काबिले एतमाद नहीं कहलाएगा। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गए, एक क्या है, सनद जो है मुत्तसिल हो, और दूसरे रावी काबिले एतमाद हो। अभी दो और बाकी है इंशाअल्लाह, फिर जो है कल दर्स में आपके सामने वो पेश करेंगे। आज का दर्स इसी पर खत्म करते हैं। सुभानकल्लाहु बिहम्दिक अशहदु अल्ला इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।